वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब वक्त कम है मुकाबला सख्त है, हमारे पास मेहमान आ चुके हैं, सबका मैं तारुफ करवाती चलूँ। हमारे पास डॉक्टर फैसल होंगे जो आज हमें हर्बल ट्रीटमेंट बताने वाले हैं स्किन के लिए, विंटर्स में आपने स्किन की हिफाजत कैसे करनी है। अबीर हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे और उसके साथ साथ हाशिर हसन होंगे इनके साथ। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप सबका। सबसे पहले तो डॉक्टर फैसल आपके जाने में आएंगे, अब सर्दियों में बहुत सारे मसाइल होते हैं स्किन के, क्या क्या मसाइल हैं और क्या ट्रीटमेंट्स होने वाले हैं आज आप? सबसे पहला मसला तो ड्राइनेस, ड्राइनेस है नो डाउट कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, चैप्ड हो जाती है, पैची हो जाती है। बिल्कुल, इन सब चीज़ों के लिए एक दो बड़ी छोटी छोटी सी आपको टिप्स दे दूंगा, बल्कि आपको फॉर्मूलेशंस बता दूंगा कि कैसे बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा बेहतर ये होता है कि जैसे सर्दियां अब शुरू हो रही हैं तो हीटर में कम से कम बैठें, ओपन एयर में रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता तो ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें पानी ज़्यादा, खीरा है, सिट्रस फ्रूट्स आ गए हैं, सैलड्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, तो इस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, ड्राइनेस कम से कम होगी, गर्म पानी का इस्तेमाल नहाने में बहुत कम करें, उससे भी ड्राइनेस बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ देखें ठंडे से तो ही नहा सकते, तो बेहतर दरमियाना सा ल्यूक वार्म वाटर जिसको कहते हैं उससे को इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी पे लोशन लगाएं, मॉइस्चराइजर के लिए हम कुछ उसके अलावा भी कोई हर्बल चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने से पहले जो उनसे आप कोई ऑयलिंग कर सकते हैं, आलमंड ऑयल की आप लगा लीजिए, ऑलिव ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद आप अपना शावर लीजिए। शावर लेने के बाद जो फाइनल रिंस होता है ना, जैसे हम आखिर में शावर नहीं है लेकिन आखिर में एक मग्गा रख लीजिए और उसमें थोड़े से ड्रॉप्स किसी भी ऑयल के डाल दें, अच्छा उसको अपनी बॉडी पे बहा लें तो वो पानी के साथ ही ऑयल जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको एकदम ड्राइनेस फील नहीं होती। और जो भी हमारे गर्मियों के मॉइस्चराइजर्स हैं उनको चेंज कर लेना चाहिए, थोड़े से थिक मॉइस्चराइजर्स पहनना चाहिए, तो उससे ये क्लियर बन जाती है जो आपको ठंडी हवा से उससे प्रोटेक्ट करती है। लवली लवली, अभी आपसे जानना चाहेंगे आपकी सिंगिंग करियर कैसे शुरू हुआ? सिंगिंग करियर आई गेस ज़्यादा जो बूम था वो यूनिवर्सिटी से ही मिला। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक था, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कर चुका हूँ, तो खैर सो वहाँ काफ़ी एक्सपोजर मिला, हमारे कॉम्पिटिशन बहुत होते थे, ऑल पाकिस्तान पार्टिसिपेट करने का काफ़ी मौका मिलता था, सो मैं दो कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था ऑल पाकिस्तान और मैंने दोनों विन किए थे पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए। सो उसके बाद फिर हम लोगों ने एक बैंड बनाया एंड बैंड के साथ भी काफ़ी देर जर्नी रही, बट आफ्टर ग्रेजुएशन यू नो जब सब जॉब जरा पे और कैरियर जब आपका स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि सब लोग अलग अलग हो गए। सही सही, तो अभी हाशिर आपके साथ है? हाशिर मेरे साथ है, हाशिर मेरे साथ और मैं काफी और लोगों के साथ भी प्ले करते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे मेरे साथ भी स्पेशली एसोसिएटेड इनका प्यार है, तो ये मेरे साथ एज अ सेशन गिटारिस्ट प्ले करते हैं। तो हाशिर आपके एक्सपीरियंस कैसे रहा वो लोगों के साथ, चूंकि आप गिटारिस्ट हो और मुझे लगता है गिटार बजाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली प्ले करना मुश्किल होता है, लेकिन ये कि इससे हटकर जो इंस्ट्रूमेंट की है मैं वोकल्स को ज़्यादा जो है ना वो प्रेसिडेंस देता हूँ। उसकी रीज़न ये कि आफ्टर सारी परफॉर्मेंस के एंड पे आपके वोकल्स ही हैं जो इवेल्युएट होते हैं, जिनकी बेस पर परफॉर्मेंस होती है, तो मेरा भी अबीर के साथ बहुत प्यार है तो मैं फिलहाल इन्हीं के साथ ही प्ले। जबरदस्त, अबीर आज हमें क्या सुनाएंगे? जी आज हम मेहदी साहब की एक काफी मशहूर गजल है उसको गाने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर जरूर। एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़ते गिरिया से भी महरूम, तू भी तो किसी रोज जताने के लिए दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के
लिए आरंजिश के सही पहले से मरा सिन्ना सही फिर भी कभी तो पहले से मरा सिन्ना सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ सही दिल ही दुखाने के लिए आ जबरदस्त अभी तो आप क्लासिकल को ज्यादा फोकस रखते हैं मैं ये क्लासिकल नहीं गाऊंगा क्लासिकल में तो काफी और हार्डकोर हाँ. क्लासिकल चीजें आ जाती हैं इसको सेमी क्लासिकल कह सकते हैं गजल गायकी कह सकते हैं तो ये मुझे बहुत पसंद है अच्छा. तो मैंने अभी रिसेंटली सीखना भी थोड़ा स्टार्ट किया जबरदस्त तो फिर तो ये प्लस पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही है बाकी हम लोग जब कॉन्सर्ट में प्ले वगैरह करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो आवाम की डिमांड के अकॉर्डिंगली हम लोग का प्रॉपरली ब्रांड है हम लोग पॉप पाकिस्तान पॉप म्यूजिक को काफी ज्यादा करते हैं हां जी हां जबरदस्त जबरदस्त लवली अच्छा डॉक्टर फैज़ हम चूंकि वहां चलते हैं और जो आपके थोड़े से जो है आज हम टोटके वो जान लेते हैं ठीक है चलें जनाब हम उधर जा रहे हैं पोडियम के सारे वो और हम डॉक्टर फैसल से जरा पूछते हैं कि हमें विंटर्स के हवाले से ये क्या बताने वाले हैं जी डॉक्टर फैसल अच्छा दो तीन चीजें तो ऐसी हैं जो हर घर में हर वक्त मौजूद होती हैं ठीक हो गया दूध होता है दूध के ऊपर से बलाई निकल आती है बलाई निकाल रहे हैं ठीक है तो ये बलाई निकाल के ठीक है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक चीज ऐड करनी है लीमू का रस लेमन ठीक है कितनी को बलाई हो तकरीबन अगर एक टेबल स्पून बलाई है तो उसमें आधे ये जैसे छोटे साइज का है तो इसका आधे लीमू का रस उसमें ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको चेहरे पे गर्दन पे हाथों पे और पाँव पे लगा के छोड़ दीजिए 15-20 मिनट के बाद किसी भी अच्छे ऐसे वॉश से धोइए फेस वॉश या बॉडी वॉश कि जो ड्राइनेस ना कॉज करे जो सोप फ्री हो अब इजीली अवेलेबल है मार्केट में सोप फ्री फेस वॉश बॉडी वॉश अवेलेबल है उनसे जो उनसे वॉश करें असल में सोप जो है साबुन जो उनसे वो थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ लेके जाता है अच्छा इन फूलों का क्या इस्तेमाल इन फूलों का इस्तेमाल ऐसे है कि बहुत अच्छे ये जो उनसे ना मॉइस्चराइजिंग पेटल्स हैं अच्छा गेंदा असल में जो उनसा है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनली या मेडिकल जो इफेक्टिव है फ्लावर वो कहलाता है कैलेंडुला कैलेंडुला इजीली मिल जाता है उसको पॉट मैरी गोल्ड कहते हैं पॉट मैरी गोल्ड ठीक है तो वो मिल जाए तो सबसे बेहतर है अदर इसको गेंदे का फूल जो उनसा है ये उसका ऑल्टरनेट के तौर पर होता है ऐसे कोई सा भी ऑयल ले लीजिए बेहतर है कि आलमंड ऑयल ठीक है उसको आप जैसे फर्ज कीजिए कि ये एक गेंदे का फूल है ठीक हो गया। उसमें आपने तकरीबन 100 ml के करीब इस तरह से तेल डाल के और इसको 2 weeks के लिए आपने अच्छा 2 weeks के लिए हाँ छोड़ दीजिए धूप में या तो इसी को ढक लीजिए या फिर ये कि शीशे की बोतल लीजिए अच्छा शीशे की बोतल लेनी है क्योंकि प्लास्टिक जो उनसे धूप में रिएक्ट करता है तो शीशे की बोतल लेके इसमें ये पेटल्स डाल के इसमें आप गुलाब के भी डाल सकते हैं साथ और ये डाल के छोड़ दीजिए 2 weeks के बाद ये वाला ऑयल लगाना शुरू कीजिए तो ये इवन एक्जिमा तक के लिए जो उनसे बहुत बेहतरीन चीज़ है एक्जिमा का किसी तक क्योर भी है क्योर भी है क्योर अच्छा भी क्योंकि ये हर्बल ट्रीटमेंट्स होते हैं थोड़े स्लो होते हैं लेकिन एट द एंड इफेक्टिव होते हैं हाँ डिपेंड करता है कि स्लो है या नहीं लेकिन ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको क्विक रिलीफ देती हैं क्विक रिलीफ देती हैं और इसी तरह से जैसे अभी आपका ऑयल तैयार हो गया ठीक है अभी आपका बन गया आप इसी में थोड़ा सा बीज वैक्स जो शहद का मोम होता है इसको गर्म कीजिए उसको गर्म कीजिए इन दोनों को मिक्स करके रख दीजिए तो ये आपका एक बहुत अच्छा सा ऑइंटमेंट तैयार हो जाएगा इसी ऑइंटमेंट को आप फटी हुई एड़ियों पे इस्तेमाल कर लें तो आपकी विद इन 3-4 days आपकी चैप्ड हील्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल आपकी स्किन जो उनसे भी सॉफ्ट हो जाएगी जबरदस्त ठीक हो गया दूसरा तो टोटका भी आपको बता दिया अच्छा तीसरी चीज ये है कि आप थोड़ा सा अर्के गुलाब ले लीजिए ठीक हो गया अर्के गुलाब उसकी मेजरमेंट्स आपको बता देता हूँ कि 50 ml जैसे ग्लिसरीन हमने ली ठीक है
25 ml ہم لیں گے روز واٹر ٹھیک ہے اور تقریباً ایک پورے لیمو کا ہم لیں گے رس ٹھیک ہے اس کو اسی طرح سے کسی بوٹل میں بنا کے رکھ لیجیے ٹھیک ہے فریج میں رکھ لیجیے اور اس کو لگانے سے پہلے اچھی طرح شیک کر لیں تینوں چیزیں مکس ہو جائیں گی آپ اس کو اپلائی کیجیے تو ان شاء اللہ سردیوں میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ریشز نہیں ہوں گے آپ کی اسکن ٹون خراب نہیں ہوگی آپ کی اسکن موئسچرائز رہے گی اور ایون جن لوگوں کو دانے بھی نکل آتے ہیں ہے نا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی اسکن ہیٹر میں آپ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اسکن خراب ہوتی ہے تو وہ سارے مسائل بھی آپ کے اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ بہت سادی اور بہت افیکٹو چیز ہے ایون یہ جو ان سے ہمارے نارڈرن ایریاز سے جیسے بلوچستان کی خشک سردی ہے وہاں تک کے لیے یہ ریمیڈی جو ان سے کام کرتی ہے تو لاہور کی سردی میں تو یہ آرام سے افیکٹو ہو سکتی ہے اچھا پروفیسر ڈرائنس جیسے ابھی آپ نے بتایا موئسچرائزر ہم سم ٹائمز ارکے گلاب کا استعمال بھی کرتے ہیں ایون میک اپ اب جیسے ہم بہت زیادہ اپلائی کرتے ہیں میک اپ سے پہلے بھی ہم کچھ پرائمرز وغیرہ لگا سکتے ہیں وہ کیا کوئی نیچرل ایسی ہاں نیچرل پرائمر جو ہے آپ ایلو ویرا جیل لیجیے ایک ٹیبل اسپون پیور ایلو ویرا جیل دیں اس میں آپ نے ہاف ٹی اسپون ڈالنی ہے گلیسرین اچھا صحیح ہے اور صرف دو سے تین ڈراپس آپ نے ڈالنے ہیں آلمنڈ آئل آلمنڈ آئل اس کو مکس کر کے آپ پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے جب سب چیزیں یکجان ہو جائیں تو اس کو آپ لگا لیں میک اپ سے دس منٹ پہلے یہ آپ کا بہترین پرائمر تیار ہو جاتا ہے اور یہ اس کے بعد آپ میک اپ کریں تو وہ میک اپ آپ کا تقریباً اگر فرض کیجیے دو گھنٹے چلتا ہے آپ کا میک اپ تو وہ تقریباً چھ گھنٹے تک ایکسٹینڈ کر جائے گا زبردست اور آپ کے جو پورز ہیں وہ مینیمائز ہو جائیں گے لولی لولی جناب اتنی زبردست آپ کو ہربل ٹپس مل گئے ہیں ڈاکٹر فیصل کی جانب سے تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فیصل زبردست ٹپس بتانے کے لیے اور جناب ہم کوشش کریں گے مزید ڈاکٹر فیصل سے ہم جانیں لیکن چونکہ ابھی ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے ہم اجازت لیں گے آپ سے ابیر ہمارے ساتھ ابیر کو میں بالکل ایسے نہیں جانے دینا ہم جاتے جاتے گانا ضرور سنیں گے آپ سے ہم اجازت لیں گے ان شاء اللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل اور فیس بک پر ہمیں فیڈ بیک لازمی چاہیے ہوتا ہے تبھی ہمیں پتہ لگتا ہے ہم کس طرح کا شو کریں جاگو لاہور کے نام سے پیج ہے آپ وہاں جائیں وزٹ کریں اپنے کامنٹس ڈراپ کریں کچھ چاہتے ہیں ہمارے شو میں ایڈ آن تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور آج کا شو ریپیٹ ہونے والا ہے شام 5 بجے اور رات 1 بجے اور یوٹیوب چینل ہے جاگو لاہور کا وہاں پر بھی اویلیبل ہوگا کل تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ اوور ٹو یو ابھی سنم کے نام کا کلمہ وفا کے دو دانوں پر یہ تسبیح تو مکمل ہے وہ جنت ہو یا یہ دنیا انہیں لفظوں کی چاہت ہے محبت ہے خدا جیسی خدا ہی تو محبت ہے خدا کے کروں سجدہ ایک خدا کو پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا اور محبت ہم بھول چکے بستی بن میں ایک آس کی پھانس لیے من میں کوئی ساول ہو کوئی پیارا ہو کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو جب جیون رات اندھیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو ایک بار کہو تم میری ہو ستارہ سی جنہیں کہتے ہو وہ آنکھیں تمہاری